तो अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, हथियारों के साथ युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेजा गया है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखकर उसको जेल भेजा गया है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से जानकारी, हथियारों के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। युवक के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखकर युवक को जेल भेजा गया है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर देखिए हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी और आपको बता दें कि युवक के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखकर उसको जेल भेजा गया है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट अमरोहा से, हथियारों के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवक के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखकर उसको जेल भेजा गया है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए गिरफ्तारी होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसके पास इतने बड़ी मात्रा में कहाँ से हथियार आए। तो डिडौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला मोहंती सराय की रहने वाली श्रीमती जायरा खातून ने थाना कोतवाली पर एक तहरीर दिनांक 6/12 को दी कि उनकी पुत्री रुखसार बिना बताए कहीं चली गई है। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 5/12 को थाना ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद के रतुपुरा के जंगल में एक शव बरामद हुआ है, जो बोरे में था, जिसकी पहचान रुखसार के रूप में हुई। इस क्रम में उनके भाई द्वारा एक अभियोग थाना कोतवाली अमरोहा नगर पर पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियोग का सफल अनावरण करते हुए रुखसार के पति व उनके देवर को गिरफ्तार किया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयदेव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयदेव, एक युवक को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? हथियारों के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है, कहाँ से ये हथियार उसके पास आए, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मामला अमरोहा कोतवाली क्षेत्र का है, डिडौली का, जहां पर एक अभियुक्त को जो है असले के साथ गिरफ्तार किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि पत्नी की हत्या कर जो है इसने सब रतपुरा के पास जंगल में डाल दिया था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर जो है पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है और इसके पास से जो है तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और जिसमें संगीन धाराओं में इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी जयदेव, अभी से हाँ कंटिन्यू कीजिए। जी, और इसके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तो जयदेव, अभी पूछताछ पे और कुछ जानकारी मिल पा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में इसके पास हथियार आए कहाँ से? जी, अभी पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और बाकी आगे की कार्रवाई इस पे की गई है और जल्दी इसका जो है आज दोबारा से जो है खुलासा किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया जयदेव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।